मॉर्निंग एंड कम बैक ऑन ब्लॉग। तो गाइस स्वागत है सभी मेरे ब्लॉग पे। तो गाइस करते हैं नितिन सानिया ब्लॉग की शुरुआत जस्ट अंदर से, और तो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमते हैं, फिर ऐसे चलते हैं ढाबा की ओर, क्योंकि सारे जितने भी लौंडे गए सब ढाबे की ओर ही गई हुए हैं। वहाँ पे आग हाथ चला के ठंडा करके आग सेक रहे होंगे वो। ये हमारे गाँव के मुख्य चोर, और अब ये बता ढाबा कैसे चोरी किया तूने? ढाबा में क्या चोर किया तेल? निकाल के क्या 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 ताने क्या जाता नहीं है? टॉफी है, चॉकलेट, टॉफी है, और पर कुरकुरे, कांची। अच्छा, और अमर रुखु चोर कैसी गई है? रुखु चोर, रुखु चोर कैसी गई है? पर नहीं निकाल पे। कदी रुखु तने है? कदी एक कर रुखु खाया है? और खाती, और ये बहुत सारे चोरी करते हैं, जैसे चाबी वगैरह, इसके मुख्य चोरी है चाबी। यहाँ भी देखिए ऊपर आई तो हल्की भूत हल्की फुल्की पढ़ाई है। डाकू लोग कहाँ कहाँ होना रहता रहते बतिया कहाँ जाते हैं तीन कोई दूल्हा ना पीते उमर छत में डूंग बाहर डूंग में सर होने चला फिर डूंग क्या नाम तेरा? बरसा हाउ की बेची है, कहाँ जा रही है मुर्गा बनाने? बहुत ज्यादा शरारत है, और रोज ऐसे काम करते हैं, कभी इधर उधर पत्थर फेंकना, मतलब इनका काम यही है, क्योंकि बच्चों में होती ही ऐसी है बचपन के टाइम में। और ये देखो पंजा चिल्ली का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि कल बर्फ आई है तो और भी सुंदर दिख रहा है आज। गाइस चलते हैं आप सीधा, एक बार बाइक ऊपर लगी यहाँ पे, और यहाँ पर से बाइक निकाल। तो गाइस ये ढाबा अभी तो बंद है, क्योंकि शाम के टाइम खोलती है यहाँ पे ढाबा वगैरह, और यहाँ पे कुछ प्रकार से फ्लैग लगा रखे है, ये काफी तगड़ा वाला व्यू आता है। तो गाइस देख सकते हो उसका वेदर काफी मस्त वाला, एकदम आज धूप खिली है बढ़िया तरीके से, और कहीं पर भी एक बादल भी नहीं है, और गांव को कहाँ से दिख रहा है एकदम क्लियर, और इसके ऊपर भी पूरा गाइस आज साफ मौसम एकदम क्लियर आ रहा, और किस प्रकार दिख रहा है आज का व्यू, काफी तगड़ा वाला व्यू लग रहा है। और गाइस गांव इस प्रकार से दिख रहा है, और जो हल्का बहुत आया था बर्फ वो पिघल चुके हैं, गाँव में तो जल्दी पिघल जाता है, लेकिन ऊपर चोटी पर गाइस जो देखो कितना मस्त लग रहा है। ये तो भी देखो कितना हल्के हल्के अब हरियाली आने लग गई है, और नीचे भी हल जोतने लग गए हैं, और यहाँ पर हरियाली, और देखो देवीदार का सीन कितना मस्त लग रहा है, हल्का हल्का सा बर्फ। तो गाइस यहाँ पे अपना बाइक स्टैंड, और देखो और अभी ये ढाबा खुली है नहीं दुकान वगैरह, और देखो बाइक। तो ये चक्कर होगा इसकी चोरी बाइक पे एकदम बर्फ जम के, तो कुछ देर बाद अपने आप ये धूप आके पिघल जाएगी, तब तक नहीं निकालता हूँ ये, बाद में निकालूंगा आप, क्योंकि अभी निकालेंगे तो फट जाएगा ये। तो गाइस चलते हैं अब घर को यहाँ से। पंजा चलो किस प्रकार से दिख रहा है यहाँ पर से, देखो ये एकदम क्लियर दिख रही है आज, और बादल भी है नहीं, और कल बर्फ आई है तो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अब चलता है ऊपर ढाबे में, और वहाँ पर लगी हुई है बाइक, तो कल बर्फ आई है तो देखता हूँ कैसा हो रखा है बाइक, उस पर कवर तो कर रखा था वैसे मैंने, लेकिन फिर भी देखते क्या हो रहा है वहाँ पे। और सीन देखो कितना मस्त लग रहा है आज, बर्फ़ आ गई तो कम आएगा, आप सोचोगे अगर ज़्यादा आती तो कितना अच्छा लगता, और देखो बहुत कम बर्फ़ आई है, मतलब हल्का सा, ये तो एक घंटे में पूरा पिघल जाएगा। और सीन चक्कर होगा कितना मस्त लग रहा है आज, हल्की हल्की बर्फ़, और ऊपर चोटी पर तो गाइस आप सोचो मत कितनी मस्त बर्फ़ आई है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर लगा देखते हैं बाइक, अब यहाँ से जाते हैं उधर को धारे में, और गाइस कुछ यहाँ पर आज करना एक सूचना दिया गया है, जो देवीदार घूमने के लिए आते हैं तो उनके लिए आज का मतलब टिकट वाला सिस्टम बन गया है, 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से गाइस, और जो टेंट वेंट लगाते हैं तो उनके लिए 500 रुपये पर नाइट के हिसाब से। तो गाइस आजकल कुछ इस प्रकार से किया गया है।